आज हम आए हैं डॉल्फिन मॉल. यू कैन सी दिस इज बिगेस्ट मॉल और यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, हम क्लिफ्टन के डॉल्फिन मॉल में आए हैं और यहाँ का विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे अपने व्लॉग में डॉल्फिन मॉल और यहाँ पे क्या डिस्काउंट ऑफर लगी है. खूबसूरत डेकोरेशन, वेल डेकोरेशन यहाँ की है स्पेशल तरीके से और डिस्काउंट ऑफर्स चल रही हैं कपड़ों पर. क्या डिस्काउंट है, महंगे हैं या सस्ते, बताएंगे आपको किस तरह की डिस्काउंट ऑफर लगी है और प्ले एरिया जो है यहाँ का किस तरह का है, कि आपको अपने बच्चों को लाना चाहिए या नहीं. सो आज हम आपको क्लिफ्टन के डॉल्फिन मॉल का विजिट करवाएंगे, पूरे डॉल्फिन मॉल का आज के व्लॉग में. आज हम आए हैं डॉल्फिन मॉल. यू कैन सी एंड आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी डिस्काउंट ऑफर चल रही है. सो लेट्स गो. अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राबी खान. सो आज हम आए हैं क्लिफ्टन के डॉल्फिन मॉल का विजिट करने के लिए. हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ का मॉल कैसा बना हुआ है देन अदर मॉल डॉल्फिन मॉल्स एंड क्या डिफरेंस है यहाँ पर और यहाँ की डेकोरेशन कैसी हुई हुई है. काफ़ी लोग क्लिफ्टन के डॉल्फिन मॉल का विजिट नहीं कर सकते दूर होने की वजह से या उनके पास टाइम नहीं होता, सो दैट्स वाई वो यहाँ का विजिट नहीं कर सकते. तो आज हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे क्या डिस्काउंट ऑफर है यहाँ पे, किस हद तक महंगी चीज़ें हैं और मतलब कैसा एनवायरनमेंट है. आज हम आए हैं क्लिफ्टन के डॉल्फिन मॉल में. दिस इज़ बिगेस्ट मॉल और यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं. यस, जी हाँ, तो खूबसूरत एनवायरनमेंट और वेल डेकोरेशन ऊपर से नीचे तक हुई हुई है, वो आपको दिखाऊंगी. एंड आई एम वेरी एंजॉयिंग दिस मॉल एंड काफ़ी लोग यहाँ पर जो मुझे नज़र आए वो जस्ट यहाँ पर विजिट कर मतलब घूमने के लिए और पिक्स और वीडियोस लेने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए भी मुझे नज़र आए. सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हम अब जा रहे हैं अप साइड. लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके. फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट लिया और यहाँ पर ये शॉपिंग एरिया है 50% ऑफ जो कि हर मॉल में आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे भी लगी है और आपको पता है. अच्छा, यहाँ पर शॉपिंग के लिए जो लोग आते हैं ज़्यादातर जो मैंने नोट किया वो क्लिफ्टन के ही लोग हैं, यहाँ के नियरेस्ट लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं. सो लेकिन अगर आपने आना है कभी सी वी यू साइड पर यहाँ का विज़िट करने के लिए तो आप एज अ विज़िट के तौर पर यहाँ आ सकते हैं. प्राइसेस जो है वो बहुत हाई फाई प्राइस हैं यहाँ के और आसमान से बातें कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई प्राइस हैं मैं तो यहाँ से कभी शॉपिंग ना करूँ. हाँ, बट आप विज़िट के लिए आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, खूबसूरत डेकोरेशन होती है. जी हाँ, हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ की वेल डेकोरेशन और ये बहुत ही बिगेस्ट मॉल है. यू कैन सी ऊपर से नीचे तक वुल एंड हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ. अब आहिस्ता आहिस्ता विज़िट करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे लास्ट टॉप फ्लोर पर. चेक दिस डेकोरेशन, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आया विज़िट करने का. जी हाँ, अब हम टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, लास्ट टॉप फ्लोर पर यहाँ पे प्ले एरिया में विज़िट करने के लिए और बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं. यहाँ आके बच्चे होंगे बहुत ही खुश. अच्छा, ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर भी आपको इस डॉल्फिन मॉल में मिलेगा. प्ले एरिया के लिए मैं यहाँ आई थी क्योंकि बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड थे प्ले एरिया में आने के लिए, इनकी वजह से मुझे डॉल्फिन मॉल का विज़िट करना पड़ा. सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, गेमिंग की और बहुत ज़्यादा फ़न किया प्ले एरिया में. सो आप भी अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है, लाइक लकी वन मॉल और बड़ों के भी झूले हैं. बहुत ही बड़ा सा ये प्ले एरिया है टॉप फ्लोर पर और यहाँ के लिए भी काफ़ी लोग आए हैं. बेशक आप शॉपिंग ना करें और मुझे कुछ इतने ख़ास समझ नहीं आई शॉपिंग यहाँ की क्योंकि ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो,
ओनली ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेंगी पाटा रेट पर। सो प्ले एरिया में बच्चों ने किया इंजॉय और फन और बहुत ही तफरियाँ की और गेमिंग की बच्चों ने, और इसी वजह से यहाँ मैं आई थी। और जब ये लकी वन भी जाते हैं तो ओनली गेमिंग की वजह से ही जाते हैं, बच्चों का तो बस एक ही शौक होता है। आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं इंजॉय कराने के लिए। यहाँ आकर बच्चों का मूड बहुत अच्छा हो गया और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, खेलने में लग गए। और ये देखें बहुत सारे गेम्स आपको यहाँ मिलेंगे और ठीक ठाक पॉकेट मनी भी आपकी खर्च होगी जब आप यहाँ आएंगे। तो डेफिनेटली बच्चे तो ज़िद करेंगे कि हमें, और ये लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। मैं इनसे कह रही हूँ कि घर चलो, लेकिन अभी भी ये देख रहे हैं अभी हमें और क्या क्या गेमिंग करनी है, ये ढूंढ रहे हैं अपनी पसंद की चीज़ें। और ये निब्रा ने अपनी पसंद का फेवरेट गेम ढूँढ निकाला, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत मस्ती आई थी। सो खूबसूरत से डॉलमिन मॉल का विज़िट करके आया, बहुत ही मज़ा अच्छा लगा। मतलब आप अगर यहाँ पर आते हैं विज़िट करने या अपने बच्चों को ओनली इन्जॉय करवाने के लिए, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि हम लकी वन जाते हैं सो इसी तरह हम डॉलमिन मॉल भी आ सकते हैं। दूर तो है, अगर आप सीवियों आएँ तो आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। और खूबसूरत डेकोरेशन के साथ आप लोग बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे, मुझे अच्छा लगा यहाँ कर। और अब हम जाते हैं घर की तरफ। सो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा ये शेयरिंग ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉच एंड अल्लाह हाफिज़।